रायसेन से खबर, जहां कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंडी दीप दौरे के बाद कांग्रेस को झटका लगा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब पचौरी के समर्थक नेता भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मंडी दीप के दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा राजा जैन की बीजेपी में वापसी, मंडीदीप नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष जगदीश शर्मा भी बीजेपी में शामिल, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गौर और उद्योगपति गौरव पचौरी भी बीजेपी में शामिल। इसके अलावा 12 कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग अभियान जारी है। कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख सकते हैं जो मौके पर मौजूद थे। मोहन यादव भी यहां पर रायसेन के दौरे पर थे, मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी में शामिल कराया है कई नेताओं को, चेहरों को। नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे वो भी बीजेपी में शामिल हुए। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार कांग्रेस को झटका और बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर सुरेश पचौरी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो न्यूयॉर्क में उस दौरान दिखा दिया था कि कहीं ना कहीं जो अब है रायसेन जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनेगा, जो कांग्रेस के जो लोग हैं लगातार यहाँ पर वो शामिल होंगे। आज अगर बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की यहाँ पर सभा थी मंडीदीप में, विकास करो तो इसके दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगाया, जबकि मंडीदीप के दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान, पूर्व राजा जैन यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। हालांकि और यहाँ पर जो अन्य नेता है कांग्रेस के वो भी यहाँ पर शामिल हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात की जाए अभी भी यहाँ पर और जो कहीं ना कहीं जो समर्थक है, जो पचौरी समर्थक है, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लगातार यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा दिखाई दिया रायसेन में। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।